आज हम जानेंगे भगवान इंद्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम भगवान इंद्र जी के बारे में। तो अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र को वैदिक देवताओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, सबसे पहला स्थान प्राप्त है भगवान इंद्र को ऋग्वेद के 250 संपूर्ण सूक्तों में तथा अंशतः अन्यान्य देवताओं के साथ अनेक सूक्त हैं, सूक्तों में स्तुति की गई है। अब ये जो हमारी मानव कृति है के रूप में इंद्र के हाथ, सिर, पैर इत्यादि अंगों का समुल्लेख किया गया है। उनका पेट सोम से भरे हुए सरोवर के समान है। जो भगवान इंद्र का जो पेट है वो सोम से भरे हुए सरोवर के समान है। इनके होठों के अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुशिप्र कहा गया है, अर्थात इनके जो होठ है जो बहुत ही क्या है, बहुत ही सुंदर हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अत्यंत सुंदर होने के कारण, इनके होठों को सुंदर होने के कारण इन्हें सुशिप्र कहा गया है। इंद्र का प्रधान जो शस्त्र है वो क्या है, इंद्र का प्रधान शस्त्र है वज्र। ठीक, इसी वज्र को धारण करने के कारण इन्हें वज्रिन या वज्र बाहु इत्यादि नाम से भी पुकारा जाता है। तो इंद्र को वज्र बाहु के नाम से भी पुकारा जाता है और वज्रिन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक, तो अब इनका जो वज्र है, इनके इस वज्र का निर्माण त्वष्टा ने किया था। किसने किया था, त्वष्टा ने किया था। इंद्र जिस मनोगामी रथ पर बैठते हैं, इंद्र जी जिस मनोगामी यंत्र पर रथ पर बैठते हैं वह दो हरित वर्ण के अश्वों द्वारा खींचा जाता है, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, दो अश्वों के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, और उसी पर इंद्र विराजमान रहते हैं। अब इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय क्या है, तो इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय है क्या, सोम। ठीक, तो इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, हमारी परीक्षाओं में काम आने वाला प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न और बड़ा प्रश्न भी हर तरह से। ठीक है, तो बहुत ही गूढ़ जानकारी इस वीडियो में बताई गई है इंद्र के बारे में सभी कुछ। तो इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय क्या है, सोम है, इसीलिए इन्हें सोमपा की संज्ञा दी गई है। इसीलिए इनको कौन सा बोला गया है, क्या संज्ञा दी गई है इनको, इसीलिए सोमपा की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनका सर्वश्रेष्ठ पे सोम है। अब यो सोमपा निचितो वज्रबाहु, ठीक, अब देखिए सोमपान करने के पश्चात, सोमपान करने के बाद ही ये बड़े से बड़ा कार्य संपन्न करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कोई भी बड़ा काम करने से पहले ये क्या करते हैं, पहले सोमपान करते हैं और बाद में ये उस उत्तम कार्य को करते हैं, किसी बड़े काम को करते हैं। ठीक है, कौन, हमारे इंद्र जी। अब वृत्रासुर, जब युद्ध हुआ था, वृत्रासुर युद्ध के समय इन्होंने क्या किया था, सोम से भरे हुए तीन सरोवरों को खाली कर दिया था। सोचो, है ना, इन्होंने क्या किया था, जब वृत्रासुर का जब व्रत बंद किया था ना, युद्ध किया था जब उनसे, तो इन्होंने सोम से भरे हुए तीन सरोवर अर्थात तालाब, तीन तालाबों को खाली कर दिया था, पी लिया था उन्होंने, है ना, पान किया था उनका और फिर उनसे युद्ध किया था। अब जो ऋग्वेद है, जो हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद में इंद्र की प्राप्ति का उल्लेख है कि उन्होंने अपनी मां को मारकर अस्वाभाविक रूप से उनके बगल से उत्पन्न होना चाहा, उत्पन्न होते ही उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया। सोचिए, तो इसीलिए वो इंद्र थे, परिचय दिया जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे।
भाई जाहिर सी बात है, कंडीशन ऐसी है। तो क्या हुआ था, आकाश और पृथ्वी कांपने लगे और क्या, यस्य सुषमा द्रोदसी अभ्य शेताम, कहीं कहीं इंद्र की उत्पत्ति असुरों के विनाश हेतु देवताओं के द्वारा बताई गई है, है ना। कहीं कहीं क्या है, इंद्र की जो उत्पत्ति का जो कारण था वो असुरों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए देवताओं के द्वारा बताई गई है कहीं कहीं। यद्यपि पुरुष सूक्त इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से स्वीकार करता है, ठीक है। तो मुखादींद्र अश्वग्निश्च, तो जो मरुत का मित्र होने के कारण इंद्र मरुत सखा, है ना, मरुत्थान आदि नामों से भी संबोधित किया गया है, अर्थात इनको इन नामों से भी पुकारा जाता है। मरुत इनके मित्र थे, तो मरुत का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत सखा और मरुत्थान, है ना, आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है। इंद्र ने ही अपने पराक्रम से कांपती हुई पृथ्वी को दृढ़ किया और तथा उड़ने वाले पर्वतों को क्या किया, स्थिर किया, उड़ने वाले पर्वतों को स्थिर किया। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वृत्र वध है, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कार्य है वो है वृत्र वध है, ठीक। इसके अतिरिक्त इन्होंने आकाश तथा पृथ्वी का विस्तार करते हुए अनेक दशियों समेत प्राणियों का वध किया था तथा बल नामक असुर का वध करके गायों को उसकी गुफा से मुक्त कराया था, ठीक है। अब घोड़े, गाय, ग्राम, जो गांव होते हैं ग्राम, रथ, दिशाएं, अपनी जो दिशाएं हैं सभी इंद्र की आज्ञा में हैं, सोचिए। तो इसीलिए इंद्र का वर्णन आज हम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति है ना, हमें उनके बारे में जानना जरूर जरूर चाहिए। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसीलिए तो इंद्र ने ही सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया। इंद्र ने क्या किया था, इंद्र ने ही सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया। यो सूर्य उससम जजान, तो तथा दो पत्थरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया। दो पत्थरों को ऐसे बजाते हैं और उनके बीच में क्या किया, अग्नि को उत्पन्न किया। ऐसे महान पराक्रमी इंद्र को युद्ध क्षेत्र में दोनों ही पक्षों की सेनाएं अपनी अपनी सहायता हेतु बुलाती हैं। अर्थात दोनों जो सेनाएं होती हैं, पक्ष वाला भी विपक्ष वाला भी, सब चाहते हैं कि ये इंद्र भगवान जी हमारी साइड आ जाएं, जिसकी साइड चले गए वहीं जीत, ठीक। तो फिर क्या होता है, अपनी अपनी सहायता हेतु दोनों पक्ष सेनाएं बुलाती हैं। इनकी सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इंद्र अचल पदार्थों को भी चल बना देते हैं, अर्थात निर्जीव को भी सजीव बना देते हैं। भैया इतनी शक्ति है इनके अंदर, ठीक है। तो चल पदार्थ अचल को भी क्या बना देते हैं, चल बना देते हैं। तो इतना बड़ा प्रताप हमारे इंद्र देवता में। तो इस प्रकार इंद्र संपूर्ण विश्व का प्रतिरूप है और इंद्र ने ही क्या किया है, पर्वत पर निवास करने वाले, है ना, पर्वत पर निवास करने वाले कौन, शंबर नामक जो असुर हैं, शंबर नामक असुर को 40 वर्षों बाद, 40 वर्ष पर्यंत ढूंढ कर क्या किया था, मार डाला था, ठीक। तथा घूलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नामक असुर का झटका देकर नीचे गिरा दिया, ठीक। अब ऐसे इंद्र के लिए जो सोम पिस्ता है ना, तो क्या होता है, ऐसे इंद्र के लिए जो सोम पिस्ता है और प्रोडाश पकाता है और परिश्रम करता है
तथा उसकी स्तुति, है ना, और उसकी स्तुति जो उसकी स्तुति किंवा प्रशंसा करता है उसको वो बारंबार धन प्रदान करता है। तो इसीलिए हमको सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए अपना क्या करना चाहिए, अपने इंद्र भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, है ना। तो आपने चार इंद्र की पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि इंद्र में कितनी शक्ति है भगवान इंद्र, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उनकी बारंबार उनकी स्तुति करना चाहिए। और अगर किसी को धन की आवश्यकता है या कुछ भी, ठीक, तो जैसा कि हम सभी ने, हमने आपको बताया कि इंद्र का सर्वश्रेष्ठ जो पेय है वो क्या है, सोम जी, ठीक है। तो इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय है सोम, और इनके क्या क्या नाम पड़े थे वो भी हमने आपको बताया, उनका नाम पड़ा था इसी कारण सोमपा की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। और उनका वज्र क्या है, उनका अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, कैसे उनका रथ है, कैसे उनके घोड़े हैं, तो सभी का वर्णन आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सुना, पढ़ा और देखा। तो आशा है मुझे आप सभी को ये वीडियो जरूर जरूर पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले देवता के साथ में, बृहस्पति देवता के साथ में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।